जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप लोग देख सकते हैं सरकार प्रशासन लाख अपील कर रही है लोगों से फिजिकल डिस्टेंस बनाने की, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां एजेंट बनने के लिए लोग मौजूद हैं और ये फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए आप लोग किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है। अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंस का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। एक के ऊपर एक लोग यहाँ मौजूद हैं, भीड़ एकत्रित है और वजह है सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना है और प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जिस किसी की भी रिपोर्ट निगेटिव होगी उसी को ही एजेंट बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये लोग कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। इन लोगों में किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो हजारों लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना सकता है। देखिए आप किस तरह से ये लोग सिर्फ चाह है एजेंट बनने की और अपनी रिपोर्ट निगेटिव बनवाने की। देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये देखिए गेट पर हम लोग हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्या हम यहाँ बात करते हैं इन लोगों से कि क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? कोरोना टेस्ट के लिए। कोरोना टेस्ट किस लिए कराना चाहते हैं? कोरोना टेस्ट इसलिए कि वहाँ पे जो है मतगणना एजेंट बनने के लिए। जी, मतगणना एजेंट बनने के लिए उन्होंने कहा पहले कोरोना का टेस्ट करा के लाओ तब एजेंट बनेंगे। तो आप यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस क्यों नहीं बना रहे हैं? फिजिकल डिस्टेंस 3 घंटे हो गए हमें लाइन में लगे हुए, 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हमें लाइन में लगे हुए हो गए। 20 आदमी है अभी भी, 300 रुपए लेके और अभी भी ये रिपोर्ट निगेटिव बना के दे रहे हैं ये लोग। कैसे लेके लोग? कौन लोग हैं अंदर? अरे ये तो स्टाफ ही होगा, हमें इस बात का तो पता नहीं कौन लगा स्टाफ वाले हैं। वो 300 रुपए में लेकर ये जो है कोरोना की रिपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। बाकी जो गरीब आदमी है वो पीछे खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। साहब यहाँ रोजे से हैं और भीड़ भाड़ का इतना है कि ज्यादा है, और 300 रुपए पर मतलब बाईपास से तो बना के दे रहे हैं और यहाँ लाइन में खड़े होगा कोई मामला नहीं बन पा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रोजे से हैं कुछ लोग और इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो टीम मौजूद है वो 300 रुपए लेकर रिपोर्ट निगेटिव बना रही है। मैं हूँ आशिक इंद कुरैशी, आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए JPN 7 न्यूज़।